हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों, अगर आप e4 प्लेयर हो, वाइट से e4 खेलना चाहते हो, तो आपको वाइट के अगेंस्ट जितने भी ओपनिंग्स है, स्कैरोकान, सिसिलियन, स्कैंडिनेवियन, ये सभी के अगेंस्ट खेलना आना चाहिए। आज मैं आपको हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्कैंडिनेवियन बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि स्कैंडिनेवियन मेरी फेवरेट लाइन है, लेकिन उसके अगेंस्ट व्हाइट से कैसे खेला जाता है, ब्लैक के अगेंस्ट, इसके बारे में आपको एक बढ़िया, मतलब बुक टू बुक, लाइन टू लाइन बताऊंगा। स्कैंडिनेवियन डिफेंस e4 और d5, ये मूव होता है ब्लैक का फर्स्ट। यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा e takes d5। यहां पे दो वेरिएशन है, क्वीन d5 और Nf6। Nf6 सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, मॉडर्न वेरिएशन जिसे कहा जाता है Nf6। यहां पे जनरली लोग c4 या फिर d4 मॉडर्न वेरिएशन के सामने खेलते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बढ़िया और क्वाइट लाइन बताऊंगा, शांति से आपको खेलना है इसमें। तो बेस्ट ऑप्शन Bishop e2। Bishop e2 क्या कर रहा है, Bishop to g4 को स्टॉप कर रहा है, मतलब पोर्टुगीज गैम्बिट भी नहीं होने देगा और अपोनेंट को फोर्सफुली ये पॉन कैप्चर करने पे मजबूर कर रहा है सेकंड मूव में। Nf5, ये इसकी मेन लाइन है और यहां अब आपको खेलना है d4, इसलिए कि नाइट f4 को आप स्टॉप कर रहे हो। ब्लैक यहां पे g6 खेलेगा, तो यहां आपको खेलना है c4। अब नाइट के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, Nb6। Nb6 के सामने Nc3 बेस्ट रिप्लाई है। ब्लैक रिप्लाई देगा Bishop to g7 और यहां c5। अब Nd7 मेरे हिसाब से बेटर नहीं है, क्योंकि ये नाइट भी निकालना है और पैसिव मूव हो जाती है, तो जनरली ब्लैक रिप्लाई देता है Nd5 और यहां आपको अब खेलना है Bishop c4। अब नाइट के ऊपर डबल अटैक है, तो बिशप और नाइट दो दो अटैक कर रहे हैं, तो इसके रिप्लाई में सबसे पहले हम देखेंगे c6 अगर ब्लैक करता है तो क्या होता है। c6 और दूसरा ऑप्शन जो है Nc3। तो c6 के बारे में दोस्तों क्या करना है आपको, यहां सिंपल Nf3, Bishop to g4 और उसके बाद qb3 विथ डबल अटैक ऑन b7 और नाइट पे भी। अगर वो Nc3 करता है, लाइक Nc3, तो Nc3 में आपको सिंपल Bc3 करना है, जिससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, जो लॉन्ग रेंज बिशप है ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। तो यहां पे ब्लैक रिप्लाई दे सकता है कैसल और यहां आपको खेलना है Nf3, Bishop to g4, h3 और Bishop takes f3 और Queen takes f3, अटैक ऑन b7, ब्लैक फोर्स टू मूव c6 और यहां पे आप Rook to b1 और इस पोजीशन से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से व्हाइट से खेल सकते हो। Bishop f5। दोस्तों, d4 के बाद एक नेचुरल मूव भी ब्लैक की ओर से होती है, Bishop to f5। तो Bishop f5 में सिंपल आपको करना है Nf3, ब्लैक विल प्ले e6, शॉर्ट कैसल, ब्लैक विल प्ले Bishop to e7, a3 इसलिए कि नेक्स्ट मूव में हम c4 करें तो Nb4 की थ्रेट नहीं आए। तो आफ्टर कैसल व्हाइट विल प्ले c4, Nb6 बेस्ट मूव और यहां पे Nc3। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली ब्लैक व्हाइट की फेवर में है। कुछ गेम्स में c5 खेला गया है इसके बाद,
लेकिन सी फाइव के बाद व्हाइट ज्यादा बेटर हो जाता है, पॉन टेक्स पॉन देन बिशप टेक्स सी फाइव, और यहाँ पे बी फोर आफ्टर बिशप ई सेवन, यहाँ बेस्ट ऑप्शन है क्वीन टू बी थ्री, और बिना एक्सचेंज किए आप यहाँ पे सी फाइव और उसके बाद रुक डी वन, बहुत सारे बेस्ट बेस्ट मूव्स आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों जो ओल्ड वेरिएशन है क्वीन डी फाइव उसके बारे में देख लेते हैं। पॉन टेक्स पॉन के बाद ब्लैक अगर ओल्ड वेरिएशन खेलता है क्वीन डी फाइव, तो यहां पे नाइट एफ थ्री ये बेस्ट चॉइस है। प्लानिंग क्या है कि बिशप टू ई टू डी फोर सी फोर कैसलिंग, ये आइडिया ध्यान रखिए दोस्तों, बिशप टू एफ फोर देन ए थ्री, तो ये सब प्लानिंग है इसमें नाइट एफ थ्री के बाद। नाइट सी थ्री मैं आपको बहुत ही वर्स्ट दिखा रहा हूं, नाइट सी थ्री कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि नाइट सी थ्री आपको लगता है कि एक मूव टेम्पो के साथ अटैक के साथ नाइट डेवलप हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है आफ्टर क्वीन गोज एनीवेयर आपका सी टू वाला पॉन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो हम सी फोर डी फोर अटैक इसमें नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं नाइट सी थ्री रिकमेंड नहीं करता हूं। तो यहां पे बेस्ट चॉइस है नाइट एफ थ्री, और नाइट एफ थ्री के बाद ब्लैक विल प्ले बिशप टू जी फोर एज यूजल, यहां पे बिशप ई टू सिंपल मूव, ब्लैक कैन प्ले नाइट सी सिक्स, और यहां आपको खेलना है डी फोर लॉन्ग कैसल, और लॉन्ग कैसल के बाद आपके पॉन के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा है इसे सिंपल आप बिशप ए थ्री से सेव कर सकते हो। अब यहां से ब्लैक के पास दो मेन चॉइस है ई फाइव और नाइट एफ सिक्स, दोनों चॉइस के बदले में मैं बताऊंगा, अगर ब्लैक ने यहां पे ई फाइव किया तो यहां इमीडिएट आपको कैसल किए बिना सी फोर करना है। अब डरना नहीं है कि बिशप चेक आएगा और कुछ भी होगा, पहले उसके क्वीन पे अटैक करो, क्वीन ए फाइव चेक, यहां सिंपल बिशप डी टू, और अगर क्यू बी सिक्स जाता है तो ये एक ब्लंडर मूव होगी ब्लैक के लिए, क्योंकि आफ्टर सी फाइव कंप्लीटली ब्लैक की क्वीन ट्रैप हो रही है, क्योंकि क्वीन टेक्स बी टू नॉट पॉसिबल बिशप सी थ्री, और कंप्लीटली आप गेम आसानी से विन हो सकते हो। तो क्वीन बी सिक्स नहीं पॉसिबल, तो बेस्ट रिप्लाई ब्लैक के लिए होगा बिशप टू बी फोर। बीबी फोर में आपको रिप्लाई देना है डी फाइव। दोस्तों ऑलवेज स्कैंडिनेवियन डिफेंस के अगेंस्ट आपको जब भी डी फाइव खेलने का मौका मिलता है आपको खेलना ही है, ये ध्यान रखिए, डी फाइव बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है। व्हाइट खेलेगा बिशप एफ थ्री, बिशप टेक्स एफ थ्री देन नाइट डी फोर, सिंपल यहां पर नाइट सी थ्री कर दो और कंप्लीटली गेम आपके फेवर में रहेगी व्हाइट से। चलिए अब नाइट एफ सिक्स के बारे में क्या ख्याल है वो भी देख लेते हैं। ई फाइव के बदले इस पोजीशन में ब्लैक अगर खेलता है नाइट एफ सिक्स, तो यहां तुरंत आपको रिप्लाई देना है सी फोर। अब क्वीन एच फाइव ये बढ़िया मूव है ब्लैक के लिए, क्योंकि क्वीन ए फाइव हमने देखा कि बिशप डेवलप हो रहा है और क्वीन पे अटैक हो रहा है, तो क्वीन एच फाइव के बाद नाइट डी टू, एक यहाँ पे आपको नाइट को प्रोटेक्शन देना है। नाइट डी टू के बाद ब्लैक खेलेगा ई फाइव और यहाँ आप खेल सकते हो डी फाइव, और आफ्टर नाइट डी फोर ब्लैक कैन ट्राई सेक्रीफाइस हिज पॉन, लेकिन इसमें कुछ होगा नहीं, सिंपली आप नाइट टेक्स नाइट कर लोगे और सारे पीसेस एक्सचेंज होने के बाद आप सिंपल इसमें एक पॉन अप होके गेम खेल सकते हो। तो दोस्तों ये थी स्कैंडिनेवियन अगेंस्ट खेलने की जो वाइट की टेक्निक है, ये आप यूज कीजिए, वाइट से आप बहुत ही अच्छी तरह हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्कैंडिनेवियन, ये पूरा वीडियो आप दो तीन बार देख लीजिए, और जो ओपनिंग है पूरी आप तैयार कर लीजिए, और ऑनलाइन गेम में पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप टूर्नामेंट में ट्राई कीजिए। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ऐसी बहुत सारी ओपनिंग्स के साथ, तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको बहुत सारी ओपनिंग मिलने वाली है। जय हिंद जय गुजरात।